हमारी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे खतरों से जूझ रही है। इन खतरों के अलावा एक और सबसे बड़ा खतरा है और वो है एस्टेरॉयड। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 100-200 सालों में पृथ्वी पर कोई बड़ा मास एक्सटिंक्शन देखने को मिल सकता है, जैसा कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के साथ हुआ था, जो पूरी दुनिया से डायनासोर का खात्मा हो गया था। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या हम आने वाले भविष्य में एस्टेरॉयड के खतरों से बच सकते हैं। जानेंगे सारा सब कुछ आज के इस वीडियो में। हमारी पृथ्वी पर प्रतिदिन रेत के दाने के आकार के करोड़ों अरबों उल्का गिरते हैं, फिर भी यदि गोल्फ बॉल या उससे बड़ी साइज को माने तो प्रतिवर्ष 15,000 से ज़्यादा उल्का हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं। लेकिन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के चलते ये सारे के सारे उल्का हवा में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये घटना तो हमेशा से चलती आ रही है। दोस्तों, आप इमेजिन करें कि यदि 1 किलोमीटर के आकार वाला उल्का हमारी पृथ्वी को निशाना बनाए तो कितनी तबाही मचा सकता है। कुछ स्रोतों के मुताबिक ऐसे उल्का 5 लाख सालों में एक बार ही पृथ्वी को टारगेट करते हैं। हम इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली बॉम्ब ज़ार बोम्बा है, जिसकी विनाशकारक क्षमता 50 मेगाटन TNT के बराबर है। यानी इस 1 किलोमीटर वाले उल्का से होने वाली तबाही 1,000 ज़ार बोम्बा बॉम्ब्स के बराबर होगी। इससे मचने वाली तबाही से पृथ्वी पर मौजूद करीब 40 से 50 करोड़ पेड़ पौधे सीधे तौर पर नष्ट हो जाएंगे। बाकी का बचा कुचा काम इससे निकलने वाली रेडिएशन कर देगी। लेकिन हम ये कहें कि भविष्य में आने वाले इस तरह के खतरों का सामना कर सकते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। तारीख थी 24 नवंबर 2021, जब कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 से स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से अब तक का सबसे बड़ा मिशन रवाना किया गया था। इस मिशन का नाम डार्ट रखा गया था। डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा तैयार किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य पृथ्वी से करीब 11 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित एस्टेरॉयड डिमॉर्फोस को उसकी दिशा से भटकाना था। इस एस्टेरॉयड की साइज एक फुटबॉल फील्ड के बराबर थी, जो अपने से बड़े एस्टेरॉयड डिडिमोस को ऑर्बिट कर रहा था। 26 सितंबर 2022, 10 महीने और 1 दिन बाद, करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नासा का अंतरिक्ष यान डार्ट एस्टेरॉयड डिमॉर्फोस से जा टकराया, जिससे उसकी कक्षा में 33 मिनट का परिवर्तन देखने को मिला। ये पहली बार हुआ था जब हम इंसानों ने स्पेस में किसी आकाशीय पिंड को उसकी दिशा से भड़काया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।